यूपी के मथुरा में एक दरोगा और एक सिपाही पर लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, जब लड़की थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचती है तो उन्हें कई चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन मामला एसएसपी के संज्ञान में आने से दोनों आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यूपी की योगी सरकार भले ही कानून व्यवस्था को सुधारने के तमाम दावे करती है, लेकिन यूपी के पुलिस वाले ना केवल उनके इन दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं बल्कि खाकी को शर्मसार भी करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला ब्रजभूमि मथुरा से सामने आया, जहां पर डायल 100 की गाड़ी पर तैनात एक दारोगा रामकांत पांडे और सिपाही प्रवीण उपाध्याय पर 10वीं की एक छात्रा से रेप का आरोप लगा है। मामला गोविंद नगर इलाके का है, जहां पर डायल 100 की गाड़ी पर तैनात दारोगा रामकांत पांडे और सिपाही प्रवीण उपाध्याय अक्सर छात्रा से छेड़छाड़ करते थे, और एक दिन वो मौका देखकर पहले तो लड़की को जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर एक गेस्ट हाउस पर ले गए और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके साथ ही पुलिसिया रौब दिखाकर लड़की को धमकाया। हालांकि इसके बाद लड़की ने अपने परिजनों को आप बीती बता दी, जिस पर वो रिपोर्ट लिखाने गोविंद नगर थाने पहुंचे, लेकिन वहां पर रिपोर्ट लिखने के बजाय उन्हें भगा दिया गया। इसके बाद जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो एसएसपी को भी मामले की जानकारी हो गई और उन्होंने दोनों आरोपियों को लाइन हाजिर करते हुए एसपी को मामले की जाँच सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़िता के घर में किराए पर रहती थी और पहले भी इनकी इन्हीं हरकतों के चलते इन्हें देहात में तैनात किया गया था, लेकिन बावजूद इसके इनमें कोई सुधार नहीं आया। बहरहाल अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।